राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसई घियाराम समेत राजाखेड़ा के आधे दर्जन से ज्यादा गांव में ओले पड़े। किसानों की खड़ी सरसों और गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी उदास है। वहीं बीजेपी नेता शिवशंकर परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान को पहले चंबल नदी ने लपेटे में लिया और उस पर काफी बरसात हुई और ओले पड़े। किसान बर्बादी की स्थिति में है। आज करीब 4 बजे के आसपास ताबड़तोड़ बारिश के साथ ओले पड़े हैं, जिससे कि खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। वहीं अब किसान भी काफी चिंताजनक स्थिति में आ गया है। बीजेपी नेता शिवशंकर परिहार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार से मुआवजे की मांग की जाएगी और साथ ही ओले से जो भी नुकसान हुआ है उसमें मुआवजा दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को जानकारी दे दी गई है। अधिकारियों ने इसकी सूचना पटवारी और गिरदावत को भी दी है और आदेश दिए हैं कि जिन जिन गांवों में ओले और बारिश से नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। राजाखेड़ा से राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। पंचायत बसई घियाराम के ग्राम बरसला में ओलों की बहुत तीव्र बारिश हुई है, जिससे किसानों की गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। इसकी सूचना उपखंड अधिकारी महोदय पटवारी और स्थानीय प्रशासन को दे दी है। मेरी सत्ता एवं शासन से मांग है, किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी जल्द से जल्द गिरदावरी करा करके उनको मुआवजा दिलवाएं।